रिवीजन कर लिया ना बेटा आईपीसी का? आज की जो क्लास लेने वाला हूं ये मान के चलो यही हमारी आईपीसी की स्टार्टिंग है। डी फार्मा के पर्पस से जो पहले लिया है वो अप्लाई होगी, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जो आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज अप्लाई होने वाली है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है या फिर जो बच्चे नए आज जुड़े हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो पांच लेक्चर, ये पांचवा है, इससे पहले हम लोगों ने चार लेक्चर कवर किए हैं। उन चार लेक्चर जो प्रीवियस हो गए हैं उन पे अच्छे से फोकस करना और उनको रिवाइज करना। कल का संडे का दिन रहेगा, ठीक है ना, तो पूरा रिवाइज करते हो। और आज का जो लेक्चर है यहाँ से आप लोगों को आइडिया लगने वाला है कि क्या होने वाला है हमारे आईपीएससी में। एमएसबीटी का बेटा ऐप में पढ़ा तो हुआ है पेपर, 22-23 में तो शायद पेपर बच्चों को दिया नहीं गया है इस साल। 21-22 में मिला था तो वाला पेपर मैंने डाला हुआ है। हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि हम इन्हीं कंपाउंड्स की क्या करने वाले हैं, आईओपीएसी करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड तो कंपाउंड होते हैं, ये हिट्रोसाइक्लिक क्या चीज है। तो हिट्रोसाइक्लिक क्या चीज है और देख ले जरा इसे हम लोग। हिट्रो प्लस साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग मैंने सिखाई थी। साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये रहे साइक्लिक कंपाउंड, ये रहे साइक्लिक कंपाउंड, ये रहे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये रहा साइक्लिक कंपाउंड, इनको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रो का मतलब होता है, अभी देखो इसमें क्या है, सारे के सारे कार्बन जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, हर जगह कार्बन लगा हुआ है। हर जगह क्या लगा हुआ है, कार्बन, समझ जाओ इसे फटाफट। हर जगह क्या लगा हुआ है, कार्बन, कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं लगा है। जैसे ही कार्बन की जगह कोई दूसरा एटम लगता है तो हिट्रो हो जाता है। हिट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, हिट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी कि जैसे कि मान लो ये ओ लगा हुआ है, ठीक है, जैसा कि मान लो ये एन लगा हुआ है, मतलब अब सारे कार्बन सी नहीं रह गए हैं। इस साइक्लिक कंपाउंड में तीन सी हैं और एक अलग है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हिट्रोसाइक्लिक, हिट्रो कंपाउंड बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ साइक्लिक क्योंकि साइकिल में बंद है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहां से स्टार्ट करेंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे, इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। हिट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है, क्लोज कार्बन, यस, बंद होता है, तो हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्लियर हो गया, ठीक है। अब हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सिंगल रिंग हो सकती है, मल्टीपल रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, और कई प्रकार की रिंग्स हो सकती हैं। तो हमको थ्री रिंग तक, तीन रिंग तक का आईओपीसी करनी है। हमारे पास कहां तक सिलेबस है, अप टू थ्री रिंग्स, अप टू थ्री रिंग्स, यानी कि सिंगल रिंग होगी, डबल रिंग होगी, इसी में एक और रिंग चढ़ा दो, है ना, तीन रिंग हो जाएंगी। जैसे मान लो एक ये हो गई, एक ये हो गया,
ठीक है, एक ये हो गया, मतलब तीन रिंग है हमको जुड़ी होंगी, तो वहां तक की हमको नेमिंग सीखनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ये जो रिंग वाले कंपाउंड आ गए, अब हम सीधा इनको हम रिंग कंपाउंड बोल दिया करेंगे, हेट्रो बार बार नहीं बोलेंगे, या कभी हेट्रो कंपाउंड बोल दिया, कभी रिंग कंपाउंड बोल दिया। ठीक है, ये रिंग है, रिंग मतलब क्लोज। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, और वो तरीके क्या है, चार तरीके हैं हमारे पास इनको, इनकी आईपीएसी करने के, है ना। देखो आईपीसी आर फोर टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यानी कि हम चार टाइप से कर सकते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास, बहुत बेसिक्स है। पहला है हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर, इसे हम सिस्टेमिक नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। दूसरा है कॉमन नेम, कॉमन नेम जैसे कि हम लोग पता ना, जैसे कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, एच सी ओ ओ एच, इसका नाम बोलेंगे तो क्या होगा, एक सी है तो मेथ हो गया, एन हो गया, और ओ एच है तो मिथनोइक एसिड। बट इसका कॉमन नेम, कॉमन मतलब जो अपना लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। वो इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये चींटी के डंक में पाया जाता है। तो हम लोग कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम याद करेंगे और उनके आधार पर उनकी आईपीएसी करेंगे, ठीक है ना। नाउ फिर फ्यूज, अब यहां तीसरे नंबर से स्टार्ट होगा फ्यूज, यानी कि दो रिंग आकर के आपस में चिपक जाएंगी, और तीसरे में रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर है, वो तीनों को रिप्लेस करेगा और तीनों की जगह पे, यानी कि अगर ऊपर के तीनों क्लियर होते हुए आएंगे तो चौथा वाला समझना बहुत आसान है, और चौथे वाले से मैक्सिमम नॉमेनक्लेचर हो जाया करेंगे। तो चार तरीके से हमको आईओपीसी सीखनी है, और आईओपीसी करते वक्त इन चारों में से कोई भी तरीका लग जाएगा जो हमारा आईओपीसी का स्ट्रक्चर है। तो तुम लोग कोई बच्चे ये ना कहें कि सर इसमें तो ऐसा बोला गया, इसमें ऐसा बोला गया, चार तरीके हैं, चारों में से कोई भी तरीका लगाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो जो आईओपीसी हम करेंगे आगे जाकर के, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 से जो हमारी आईपीएसी स्टार्ट हो जाएगी, बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे, यही चारों सिस्टम हमारे दिमाग में सेट होंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट क्लास हमारी आईपीएसी हो जाएगी। हाँ, कल क्लास नहीं था, ठीक है। अब देखो हैंड्स विडमैन रिएक्शन बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात बता दूं मैं, कुछ नहीं समझना। अब इसमें अंदर जो लिखा हुआ उसको भूल जाओ, सिंपल सी बात समझो। यहाँ पे तरीका क्या होता है, चार तरीके के हमें हेट्रो एटम मिलेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, यही चार मिलने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ वाला ओ लगा हुआ है, इस तरह से मिल जाएगा, या तो ओ लगा होगा, या एन लगा होगा, या एस लगा होगा, या पी लगा होगा। सिंपल सी बात है, इनके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा, ओ के लिए ऑक्सा लगता है, एन के लिए एजा लगता है, ठीक है, एस होगा तो थाया लग जाएगा। कैसे बता रहा हूं मैं अभी, अब बात को समझना जरा। तो एक तो ये टेबल याद होनी चाहिए, दूसरी ये टेबल याद होनी चाहिए। तो पहला जो नॉमेनक्लेचर है, हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर, इसमें अगर ये दो टेबल आपको याद है तो समझो आपका काम हो गया। कैसे, वेरी सिंपल, ये क्या है, ओ, यहां पर ओ लगा हुआ है तो प्रीफिक्स है बेटा, ये प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, क्या लिख दिया हम लोगों ने, ऑक्सा, ठीक है। अब इसके अंदर कितने हैं टोटल, अगर हम लोग एटम गिने, टोटल एटम कितने, एक दो और तीन, ठीक है, रिंग साइज कह लो, या यहां पर किलो एटम कितने हैं, तीन एटम है, सफिक्स क्या लगेगा, इर, सफिक्स क्या लग गया, इर, ठीक है। और अगर सैचुरेटेड है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड है यानी कि डबल बॉन्ड, रिंग वाले में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा, रिंग वाले में, क्योंकि देखो अगर तुमने यहां ट्रिपल बॉन्ड किया तो इसके देखो कितना, ये सी है ना, एक दो तीन चार पांच, पांच वैलेंसी हो जाएंगी, तो रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, नोट कर लो, किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा अभी, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड रहेगा, तो अनसैचुरेटेड में यहां पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा तो एन की जगह पे एन लगाना है, और जब चार एटम होंगे तो एन की जगह पे ई लगा देना है, पांच होंगे तब भी एन की जगह पे ई लगाना है, छह होंगे तब भी एन की जगह ई लगाना है, ये थोड़ा सा समझना है हमको। चार के लिए सफिक्स एट है, पांच एटम है तो ऑल लगेगा, छह एटम है तो इन है, सफिक्स जैसे ऑक्सा इर, और आगे क्या लग जाएगा, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो
ऑक्साइरेन। अभी हम एक चीज और सीखेंगे और वो क्या है, यहां पर जो रूल यहां पर दे रखा है, जो लेटर ए है प्रीफिक्स का, ये मेरा प्रीफिक्स है, ये मेरे प्रीफिक्स है, इनके लास्ट में क्या है, ए ए ए ए, ये लेटर ए हटा दिया जाता है अगर जब सफिक्स हम लोग इस्तेमाल कर ले हैं, उसमें क्या वोवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आई ई ओ, आई ई ओ ओ, ठीक है ना, ई, तो ये सभी वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आखिरी का सिंपल से बात समझना है क्या, ए हट जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन, इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीरेन। अब देखो बिल्कुल सब कुछ काया पलट हो गया यहां पर, अब तुम लोग कहोगे सर जब तक पढ़ रहे थे वो कहां चला गया, वो भी अभी आएगा, ठीक है, वो भी अभी आने वाला है। एक और करें फटाफट नॉमेनक्लेचर, इसे समझ में आया हम लोगों को, चार कर लेते हैं, ठीक है, चार है, ओ है, ओ में क्या है, ऑक्सा है, तो यहां पे क्या लगा दिया, ऑक्स, और चार के लिए क्या है, एट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सा ना लगा के इटेन, ऑक्सीटेन, क्या नाम हो गया, ऑक्सीटेन नाम हो गया। यहीं पे अगर मैं इसको क्या कर दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं, ये लग गया मेरा डबल बॉन्ड, ओ के साथ मत लगा देना, ओ में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, नहीं तो, तो डबल बॉन्ड है तो यहां पर क्या होगा, पोजीशन देनी पड़ेगी, फिलहाल बात की बात है, अभी देखो डबल बॉन्ड अगर यहां पर हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, ई लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीट, क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्सीट। अभी डबल बॉन्ड की पोजीशन भी देंगे हम लोग, वन टू है ना, ये वन है, ऑक्स टू ईट, ये दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीट हो जाएगा। अभी सिंपल बेसिक समझो कि ये दो टेबल हमारे काम की है, और इस दो टेबल में जो चीजें दी गई हैं, प्रीफिक्स इस तरह इस्तेमाल होगा और सफिक्स ये रहे, बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, चीजें एकदम पलट गई, और जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है उसका इस्तेमाल अभी आगे होगा जब इसी को थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। ये टेबल फटाफट इसकी एक झलक ले लो, ठीक है, फिर आगे हम और सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अभी तो वही सारे रूल लिखे हुए यहाँ पर, पहला रूल लिखा हुआ है रिंग कंटेनिंग सिंगल हेटेरो एटम, अगर सिंगल हेटेरो एटम है तो सिंपल हमने क्या करना है, लेटर ए को हटा देना है, ठीक है, अगर सफिक्स स्टार्ट होता है वोवल से, तो मेरे जो सफिक्स है ओ ए आई हम देख रहे हैं सारे वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, वोवल्स पता ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू वोवल्स होते हैं, अगर मेरा सफिक्स वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसका जो प्रीफिक्स का ए हटा देते हैं, सभी में ही हटाना एक तरह से, कुछ बचा नहीं। नेक्स्ट देखो एग्जांपल दिया हुआ, ऑक्साइरेन हो गया, ऑक्सीरेन हो गया, थायाइरेन है तो थिरेन हो गया, एजा, अब देखो ये समझो, अगर हेटेरो एटम क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो हम एन ना लगा करके इडीन लगाते हैं, तीन में स्टार्टिंग के तीन में, थ्री फोर और फाइव एटम के रिंग में एन ना लगा करके इडीन लगाते हैं, जैसे कि सेम कंपाउंड की बात करूं मैं, ये वाला कंपाउंड है, यहां पर क्या ले लूं मैं, नाइट्रोजन, ठीक है, क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, सही से बना दूं, अब क्या है, तीन है तो इर आ गया और एन का एजा आ गया, एन के लिए क्या आ गया, एस, ए हटा देंगे, तीन के लिए इर आ गया और इडीन, इरिडीन, एजिरिडीन, ठीक है ना, ये इसका नाम आ जाएगा, तो देखो जरा यहां पर, ठीक है, एजिरिडीन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक मार्क करेंगे ध्यान से इसको, ये यहां पर अंतर है और ये यहां पर अंतर है, ये तीन जगह अंतर है, बाद बाकी सब जगह सेम है, बाकी नीचे एन 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 लगना है, बाकी इसमें नीचे इन इन लगना है, जो अंतर है, और ये सफिक्स तो याद होना चाहिए, थ्री के लिए इर, फोर एट फाइव ऑल सिक्स इन, इसको याद करने का भी अच्छा तरीका है, बता देता हूं मैं क्या याद करने का तरीका रहेगा, अच्छा देखो सेवन से तो इजी है, जैसे सेवन में क्या लिखते हैं, हैप्ट लिखते हैं, और एट में क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं, और टेन में क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं, तो एप ऑक ऑक्ट लिखते हैं, तो इसका ऑक ले लिया, इसको ऑन ले लिया, इसका एक ले लिया, सात के नीचे तो इजीली याद हो जाएंगे, ये हैप का एप,
8 का ऑक, 9 का ऑन और 10 का डेक का एक आ जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, प्रॉप ब्यूट और पेंट और हेक्स यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो यहां हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 3 के लिए इर है, 4 के लिए एट है, ऑल और इन। नीचे 7 तक याद हो जाएंगे, ऊपर 1, 2, 3, 4 ये 4 हमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे। डबल प्रीफिक्स नहीं बेटा, जब प्रीफिक्स पे प्रीफिक्स आएगा, जैसे सपोज इसको बता देता हूं मैं, इसको समझो, जैसे मान लो यहीं पर एक क्या लगा हुआ है, कहां गया, आते हैं उसके ऊपर, ये देखो जैसे कि यहां पर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यहीं पर हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, कहां चला गया ये रहा। अब देखो इसी को बनाया, जैसे मान लो यही कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब हमेशा ध्यान रखना, आगे रूल भी आएगा कि जो हेटरो एटम है उसको हमेशा क्या लेंगे, 1 नंबर देंगे, फिर 2 और फिर 3, यहां से आएंगे तो 2, 3 तब भी 3 होगा, तो ये भी प्रीफिक्स है, 3 इथेन इथाइल, 3 क्या हो जाएगा, इथाइल। अब जो हमने पुराना सीखा है ना, ये इथाइल वो वहां से आ गया, और ये इतना पार्ट नया वाला हो जाएगा। 4 के लिए क्या है मेरे पास, एट, 3 इथाइल, ओ के लिए क्या है, ऑक्सा, और 4th के लिए क्या है, इटेन, 3 इथाइल ऑक्सीटेन, ये नाम आ गया, ठीक है ना, तो ये प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, तो डबल प्रीफिक्स बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्रीफिक्स से ही पहले एक प्रीफिक्स लग रहा है, ठीक है ना। जब ब्रांच एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, ब्रांच है, ये क्या है मेरे पास, ब्रांच, जो हम लोगों ने ब्रांच सीखी थी, तो वो इस वाले प्रीफिक्स से पहले लग जाएगा। तो जब भी इसकी नेमिंग करो, जब भी इसकी नेमिंग करो, ठीक है, अभी इसमें सिंपल है, बाद बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, इसमें कुछ खास नहीं, बस काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 के लिए क्या होता है, एट होता है, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और एस के लिए क्या है, थाया है, थाया का ए हट जाएगा तो थिटेन नाम पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। अब उसके बाद जब ये आ रहा हमारे पास, ठीक है, ये कुछ देखो कॉमन नाम है यहाँ पर, एजिनेन हो गया, जब इस तरह से कंपाउंड होता है, जब तीनों अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, इसे एजीन बोला जाता है, पायरिडीन नाम इसका काफी फेमस है, तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा, कई जगह पर एजीन ना लिख करके, है ना, डबल बॉन्ड है, एजीन ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पायरिडीन लिखते हैं। तो ये पायरिडीन एक तरह का कॉमन नाम है, क्या नाम है, ये कॉमन नेम, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है पायरिडीन में, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इथाइल कैसे होगा, प्रॉप कैसे लगेगा बेटा, यहां तो प्रॉप और एथ वाला खत्म ही होगा कॉन्सेप्ट, ये 1 और ये 2 कार्बन, ये ब्रांच में आ गया ना, तो एथ लगेगा, ब्रांचिंग के लिए इथाइल हो गया ये, और ये पूरा इसको अलग करो तो ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीटेन, ये वाला पार्ट मेरे पास क्या है, ये ऑक्सीटेन है, और ये ब्रांच लगी हुई है, समझो इसे फिर से, ये क्या है, ये ऑक्सीटेन है, और ये लगा दी मैंने ब्रांच, ये ब्रांच कौन सी हो गई, 1 कार्बन 2 कार्बन, कौन सी ब्रांच हो गई, ये इथाइल ब्रांच हो गई, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 3 हो जाएगा, हेटरो एटम को नंबर 1 देना पोजीशन, तो 2 हो गया, 3 हो गया, ब्रांच किस पे लगा हुआ है, इस ऑक्सीटेन के, है ना, ये ऑक्सीटेन है, ऑक्सीटेन के तीसरे नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, तो 3 इथाइल ऑक्सीटेन। अब नेमिंग बदल गई बेटा, क्लियर हो गया, पांच कार्बन कहां काउंट कर रहे हो बेटा, इसको रिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखा क्या, ये रिंग स्ट्रक्चर चल रहे हैं,
अब देखो ये वन आ जाएगा, ये टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो टू पे ही ब्रोमो है और थ्री पर मिथाइल लगा हुआ है, और एन की वजह से क्या आ गया एस, और तीन एटम है तो री और डी डाइन लगेगा, ठीक है ना। तो ये देखो प्रीफिक्स क्या लगा, एज का, एजा का ए हट गया था वहां पर, ठीक है ना, और तीन है तो इर सफिक्स लगा, सैचुरेटेड है तो आगे एन लग जाएगा, ठीक है, और एन एटम है तो इडीन लग जाता है, बस यही है। टू ब्रोमो थ्री मिथाइल एज इर इडीन लग गया एन होने की वजह से। ये देखो ये वन ये टू ये थ्री, तो एक दो और तीन, टू प्रोपाइल, तीन है ना कार्बन, तो उसके लिए क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा, ऑक्सीरेन, इस ये पूरा क्या है ऑक्सीरेन है। कोशिश क्या करो, साइक्लिक कंपाउंड को अलग करो और ब्रांच को अलग करो, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग लिख करके ब्रांच उसके आगे लिख दो, ये साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग अलग लिख लिया करो और ब्रांच जो लगी हुई है उसको अलग लिखा करो। साइक्लिक कंपाउंड अब पैरेंट चेन में रहेगा, नोट कर लो, ये क्या हो गया अपना पैरेंट हो गया और ये क्या हो गया अपना ब्रांच हो गया। तो साइक्लिक, जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे उसकी नेमिंग पैरेंट चेन में रहेगी, पैरेंट में काउंट होगी। अब देखो इसको यहां से नेमिंग करो, इसको वन देंगे, टू थ्री एंड फोर, ठीक है, और ये फाइव हो गया। अब फाइव इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, केवल इतनी नेमिंग करें, इतना इतने के लिए क्या हो जाएगा, थाया होता है ए हट गया, टी एच आई ए, एस लगाया तो थाया होता है, ए हट गया, और पांच, एक दो तीन चार पांच होते तो ऑल, और सिंगल है सब कुछ तो एन, ठीक है, तो थियोलेन, और ब्रांच में आ जाओ, टू पे लगा ब्रोमो, फोर पे लगा इथाइल, टू पे लगा ब्रोमो, फोर पे लगा इथाइल, तो टू ब्रोमो फोर इथाइल थियोलेन, बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों ने जो मैं सिखा रहा था अगर उसकी प्रैक्टिस करी है तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास जो साइक्लिक कंपाउंड है उसकी नेमिंग मेरे पास पेरेंट, और बाकी नेमिंग मेरी आगे ब्रांच में काउंट होगी, इतना कॉन्सेप्ट समझना है बस, इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है बस। अब देखो पार्शियल अनसेचुरेशन, जो मैं बता रहा था कि अगर डबल बॉन्ड किया है पूरे पे नहीं लगा हुआ है, अब जैसे मेरे पास क्या है यहां पे, हम जहां जहां पर अनसेचुरेशन है और जहां जहां पे सेचुरेशन है, जैसे कि जहां जहां पे कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको वन काउंट करेंगे, और जहां पर डबल बॉन्ड नहीं है उसको लोएस्ट नंबर देते हैं, यानी कि यहां पर देखो क्या हुआ, सी और सी, एक दो, यहां पर क्या है एक एच है, यहां पर क्या है एक एच है, कायदे में देखा जाए, और यहां पे मेरे पास क्या है दो एच है ना, तो ये एच यहां पर दिखा नहीं रखे हम लोगों ने। तो अब यहां पर देखो इसकी नेमिंग के हिसाब से ये क्या कह रहा है, ये कंपाउंड आगे भी होंगे उसकी नेमिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, वो कह रहा है कि अगर ये वाला कार्बन कैसा है सैचुरेटेड है, ठीक है, और ये कैसे हैं अनसैचुरेटेड है, तो हमें हमेशा नंबरिंग तो इसी को देंगे वन, इसको वन देने के बाद यहां ना चल करके यहां चल चलेंगे जो कि क्या है सैचुरेटेड कार्बन होता है। ये कार्बन कैसा है सैचुरेटेड, मतलब जिसके पास चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड कहलाता है, ठीक है ना। तो हम यहां से चलेंगे टू और थ्री हो गया, तो मेरा मैं कह सकता हूं, अच्छा यहां पे देखा जाए तो एक एच आ गया, अगर मैं ये डबल बॉन्ड हटा दूं ये वाला तो एक एच और आ सकता है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं अभी तो देखो यहां पर अगर सी है तो एक वैलेंसी ये रही, दूसरी तीसरी चौथी पूरी होगी इसकी वैलेंसी, लेकिन अगर मैं ये वाला बॉन्ड हटा देता हूं तो अब इसके पास एक वैलेंसी और आ सकती है एच की, तो ये अनसेचुरेटेड है ये सेचुरेटेड है, इसके पास एक एच ज्यादा है, तो इसीलिए जहां जहां एच है हमारे पास ज्यादा, टू पर ज्यादा है थ्री पे ज्यादा है, तो डाई हाइड्रो लिख देंगे, कहां कहां पे टू पे और थ्री पे, और बाकी एजिपीन, मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल की तरह कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, नॉर्मल की तरह कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हम पहले फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड, पूरी तरीके से सैचुरेटेड, जैसे ये है इसको क्या बोलते हैं एजिपीन बोलते हैं, तो यहां पर ये मेरा एजिपीन है लेकिन इसको दूसरे और तीसरे नंबर पे हाइड्रेट कर दिया गया है, हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, तो इस एजिपीन से यारा नाम निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, ये एजिपीन से, ठीक है ना, एप एक दो तीन चार पांच छह सात, सात है ना, तो एज आ गया, सॉरी एच तो आ गया नाइट्रोजन की वजह से, और एप आ गया हैप, सात एटम है, और इन जो अपना इन आता है क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
ठीक है, एच आ गया नाइट्रोजन की वजह से, सात एटम है तो एप आ गया, और सबके सब कैसे हैं डबल बॉन्डेड है तो क्या आ गया इन आ गया। तो हमको पहले डबल बॉन्ड के हिसाब से उसकी नेमिंग करनी है, उसके बाद हमें फिर अगली नेमिंग करेंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो अब याला कंपाउंड है, ठीक है, अब जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, सपोज याला कंपाउंड आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, तो ऐसे दे दिया उसने, इसमें अगर हम देखें तो मेरे पास एक ही डबल बॉन्ड पॉसिबल है, यहां आप लगा नहीं सकता, यहां आप लगा नहीं सकता, तो पांच का लेते हैं हम लोग। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसी नेमिंग आ गई, ठीक है, यहां पर कहां का लग सकता है, यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, अल्टरनेट लग गए, इसका नाम देखो जरा क्या हो जाएगा, ऑक्स, और क्या है ऑल, और पांच के लिए क्या था इन, पांच पे के लिए क्या है ई है, ठीक है ना, ऑक्सो ए हटा दिया, पांच के लिए ऑल लगा दिया, सैचुरेटेड है तो ई लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया ऑक्सोल, इसका नाम क्या हो गया ऑक्सोल नाम हो गया इसका। अब यहीं पे अगर ये कंपाउंड कुछ ऐसा मिल जाए मेरे को, यानी कि तुम्हारे पास अगर डायरेक्ट नेमिंग ये आ जाए कि भाई इसका नाम बताओ, अब तुम इसकी नेमिंग कैसे करोगे, तो नेमिंग क्या करोगे इसकी, वन टू थ्री फोर और फाइव। टू इसको क्यों दिया, क्योंकि यारा सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है, तो अब ये कंपाउंड मेरा इसी से तो बन के आया है, तो यहां पर नाम तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सोल ही हो जाएगा, लेकिन टू पर और थ्री पर क्या हो गया डाइहाइड्रो, टू कॉमा थ्री डाइहाइड्रो ऑक्सोल, यानी कि जो ऑक्सोल था उसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन आकर के ऐड हो गया, उसका सैचुरेशन खत्म हो गया, अनसैचुरेशन खत्म हो गया। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर ये वाला कंपाउंड आएगा तो पहले हमें फुल सैचुरेशन का नाम देखना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर अगर ये वाला कंपाउंड आया है तो पहले हम देखेंगे कि पूरा सैचुरेटेड होता तो उसका क्या नाम है, और वो नाम यहां लिख देंगे, और किस किस पॉइंट में सैचुरेट हुआ है वो नाम उसके आगे आएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो जैसे कि याला कंपाउंड करना, ये सब है क्या एजिपीन है, केवल क्या है यहाँ टू थ्री पे हाइड्रोजन लग गया आकर के, यहाँ पे किस पे लगेगा वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, यहां से करें तो वन टू थ्री फोर बराबर ही है, तो फोर फाइव डाइहाइड्रो हो गया, यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर और फाइव, यहाँ पे टू और फाइव हो जाएगा, टू फाइव डाइहाइड्रो हो जाएगा। कंपाउंड तो ये एजिपीन ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ कहाँ ये सैचुरेटेड हुआ है, कौन सा कार्बन, ये कार्बन सैचुरेटेड नहीं है अभी यहाँ पर, नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन सैचुरेट हो गया, यहाँ पर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका 2,5 डाइहाइड्रो नेमिंग करनी पड़ेगी। ये बात समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात है, क्या ये एजिपीनी है, कंपाउंड तो मेरा क्या है एजिपीनी है। अब केवल क्या करना है यहां पर, जैसे मैं अगर नेमिंग करूं वन टू थ्री फोर फाइव, और यहां से करूं तो वन टू थ्री फोर, तो देखो ये वाली जो ब्रांच है ना, इधर से चलता हूं तो इसको ब्रांच को नंबरिंग कम मिल रही है, ब्रांच पर नंबरिंग क्या जा रही है कम जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे इस ब्रांच को कम से कम पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। तो वन के ऊपर क्या है एक और दो, वन पर क्या लगा हुआ है इथाइल लगा हुआ है, चौथे पे क्या लगा मिथाइल लगा हुआ है, और फोर फोर और फाइव ये क्या हो गए हैं, इन पे सैचुरेशन था अनसैचुरेशन था वो खत्म हो गया, तो फोर फाइव पे डाइहाइड्रो लग गया। तो ये जो नाम है ना बेटा, जो हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1-4 में सीखा है, ये ब्रांचिंग वहां से आएगी तुम लोगों को, ठीक है ना, ये ब्रांचिंग तुम लोगों को वहां से आएगी, अभी फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ेंगे आगे जाकर के। और ये जो है एजिपीन और साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ये आज के लेक्चर से ऐड होगा, यानी कि अब दो नॉमेनक्लेचर जो बेसिक हमने पीछे पढ़ा था और जो अब पढ़ने जा रहे हैं, ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। ये भी देखो क्या है एजिपीनी है, ये भी क्या है एजिपीनी है। अच्छा अब यहां पर क्या है, अगर मैं गौर करूं, अगर मैं वन करता हूं टू करता हूं थ्री करता हूं और इसको फोर देता हूं, तो देखो मेरा जो अनसेचुरेशन वाला कार्बन है ना, ये फाइव पे आ गया, ये सिक्स और ये सेवन, तो ये नाइंसाफी होगी थोड़ी सी। अच्छा यहां पर क्या था, ये कार्बन भी सैचुरेट हो चुका था, तो यहां से जाने में मेरे को याला ग्रुप भी चौथे नंबर में मिल रहा था
और ये वाला कार्बन भी चौथे नंबर में मिल जा रहा था। लेकिन यहां से आने में मेरे को क्या दिक्कत हो गई, अब देखो जरा। अगर मैं यहां से जाता हूं, 1, 2, 3, 4 और 5, मेरे को 1, 2 और 3, ये तीन कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन कम नंबर पे, कम पोजीशन पे मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है ना। तो अगर मैं काउंटिंग करूं पोजीशन के हिसाब से, जो जो मेरे को काउंट करनी है ग्रीन के हिसाब से देखूं अगर मैं, तो ग्रीन वाली काउंटिंग करें जरा। तो ग्रीन के हिसाब से एक ब्रांच लगी है ये 1 और फिर प्लस 4, 5, 6, 7, यानी कि जिस जिस नंबर को मेरे को रिप्रेजेंट करना है। और एक रेड वाली काउंटिंग कर ले अगर हम लोग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ऐड करो जरा इसे, कितना हो गया, अच्छा पूरा 1, 2, 3, 4, 5 तक ही हो गया ना ये, तो ये हो गया 10 और 5, 15, और ये कितना हो रहा है, 5, 5, 10 और 7, 17 और 6, 23। तो ये नहीं करेंगे हम लोग, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमारी नंबरिंग चलेगी, जिससे कि हमको सबको ऐड करने के बाद हमारा कम से कम एडिशन का सम आए। ये वाला फिर से बताऊं, समझो जरा बात को। देखो यहां पर क्या था, यहां पे अगर मैं यहां से चलता, 1, 2, 3, 4 और 5, तो मेरे पास देखो जरा यहां पर क्या आ रहा था, रेड वाले के हिसाब से चलू मैं तो 1 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 5, क्योंकि मेरे पास क्या है, 5 पे मेरा सैचुरेटेड कार्बन भी है और 5 पे मेरा ब्रांच भी है। यही अगर मैं ग्रीन वाले से चलता हूं, ग्रीन वाले से चलता हूं तो देखो 1 प्लस 4 पे देखो 4 मिथाइल और 4 पे डाइहाइड्रो, तो 4 4 दो बार लिखेंगे, प्लस 5 काउंट करो जरा, ठीक है 5 5 10 4 14 5 5 10 और 4 1 15, ये काउंटिंग ज्यादा आ रही है। तो हमें काउंटिंग ऐसी लेनी है कि उसका सम क्या है वो कम से कम आए। बात समझ में आई, हमें जो ये वाली काउंटिंग होती है, जिस जिन जिन को रिप्रेजेंट करना होता है, जिस जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना दिखाना है हमें नंबरिंग में, उसका सम कम से कम आना चाहिए, इतना समझ लो। बात समझ में आ गई, उसका सम कम से कम आना चाहिए। उसका सम कम से कम आना चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो एक से ज्यादा अगर हिट्रो एटम है तो और भी ज्यादा आसान है, सिंपल। एन के लिए क्या लगता है, एज कितने लगे हुए हैं, 1, 2, 3, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6, तो 1 पे 3 पे और 5 पे, 1, 3, 5 ट्राई एज और 6 है तो इन। और यहां पर फिर से कर लो 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 4, 1, अच्छा ये गलत हो, ये गलत हो गया, गलत क्यों हो गया देखो जरा, अगर मैं यहां से करता तो दो ये लोग पास में आ जाते, देखो गलती क्या कर दी। अगर मैं यहां से करूं, ठीक है 1 और 2, देखो अब ऐसे नंबरिंग करो 1, 2, 4, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 4, 7, ठीक है जो मैंने कर रखी थी 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 1, 8, गलत होगी नंबरिंग। मैंने कहा सम कम से कम आना चाहिए 1, 2, 3 और 4, तो ये सम 1 प्लस 2, 3 एंड 4, 3 प्लस 4, 7, तो ये वाला राइट हुआ, पहले जो मैंने कर दिया तो गलत हो गया था। तो 1, 2, 4 ट्राई एज एज एन तीन है और ओल 5 का एटम है तो ओल लग गया। ये बातें बेटा समझ में आ रही हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हुए, प्रीफिक्स सफिक्स, एक सिंगल एन एटम था यहां पर, हेट्रो एटम, रिंग कंटेनिंग मोर देन आइडेंटिकल हेट्रो एटम, मोर एक से ज्यादा आइडेंटिकल एटम है। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा थोड़ा, ओके समझते हैं, अभी सवाल लगाएंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं जरा, अगर रिंग के अंदर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, एक से ज्यादा हेट्रो एटम है, थोड़ा, चलो इसको रिपीट करेंगे अभी। अगर रिंग में एक से ज्यादा एटम है तो प्रायोरिटी याद रखो,
ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, बोरोन, इससे ज्यादा एटम होंगे नहीं। तो अगर एक से ज्यादा एटम है तो प्रायोरिटी ऑक्सीजन को वन दोगे, सल्फर को सेकंड दोगे, नाइट्रोजन को थर्ड, फास्फोरस को फोर्थ, कार्बन, इस तरह से हमारे पास प्रायोरिटी रहेगी। अब देखो जैसे कि यहां पर क्या है, इसको हम वन देंगे, फिर टू यहां नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पे कार्बन है, एन के पास जाएंगे टू और ये हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो जो पहले आया है ऑक्स, फिर जो दूसरे पे आया है एज, और एक दो तीन है इरिडीन, हो गया खत्म। ऑक्स, एज, इरिडीन। अब देखो नाइट्रोजन और सल्फर में कौन पहले है, सल्फर, तो हम लोग सल्फर को नंबर वन करेंगे, टू और थ्री, फोर और फाइव। अच्छा दूसरा तरीका देखें, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। अब देखो वही चीजें सब जो मैंने बताई, रेड ग्रीन वाले के हिसाब से चलें तो वन और फोर, वन प्लस फोर इक्वल टू हाउ मच, फाइव, चाहे ऐसे समझ लें। ठीक है, और इसके हिसाब से चले रेड वाले के हिसाब से तो वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर, लोएस्ट हो गया ना। तो हमको दूसरे एटम को ऐसे नंबरिंग देनी है कि सम मेरा कम आए, जो नंबर मेरे यहां लिखने लिखने हैं उनका सम मेरा कम आना चाहिए। दो तरीके से नंबरिंग घुमा सकता हूं मैं, तो किस नंबर से चलूंगा, आंख बंद करके दोनों तरफ से करके, जिसका नंबरिंग का सम ऐड करने पे कम आएगा वो मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या है, सल्फर के लिए थिया और नाइट्रोजन के लिए एज, और ये पांच है तो ओल, पांच है तो ओल हो जाएगा, तो थिया जोल। अच्छा ई लग गया यहां पर, क्योंकि यहां पर ई क्यों लग गया, सेचुरेशन है। अब देखो यहां पर अगेन वही। अच्छा अब यहां पर क्या है, वन, अच्छा इस वाले एस को अगर मैं नंबर दूं टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, तो मेरा नाइट्रोजन को अगर ऐसे चलता हूं तो मेरे नाइट्रोजन को लोएस्ट नंबर मिल जाएगा, तो टू थ्री एंड फोर, फाइव एंड सिक्स। ठीक है ना, तो वन, वन पे क्या लगा हुआ है, वन पे और फोर पे, देखो वन पे और फोर पे क्या लगा हुआ है, थाया लगा हुआ है, तो वन फोर पे डाई थाया, इसी नंबरिंग के हिसाब से हमें यहाँ पे भी लिखना है। दूसरे पे क्या लगा हुआ है, एस, और छे है तो इन, वन फोर पे डाई थाया और दूसरे पे क्या लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे एज यानी नाइट्रोजन लगा हुआ है और छह एटम है तो इन लगा हुआ है। हाँ तीन है इसलिए ट्राई, तीन अगर सेम होंगे तो ट्राई लगेगा। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नंबर वन इसको मिलेगा, टू थ्री और फोर, तो वन फोर, वन पे कौन है ऑक्सीजन का ऑक्सा, फोर पे कौन है एजा, इसके लिए ये, इसके लिए, और टोटल कितने हैं, छे, छे के लिए इन है ना, और डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो ई, ये छे के लिए, समझो नाम में सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। ये वन ऑक्स के लिए, ये फोर एज के लिए, ये जो इन है ये छे एटम के लिए, ये जो ई है ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसके लिए, सारे नाम का मीनिंग होता है उसके अंदर, सारे नामों का मीनिंग होता है उसके अंदर। अब ब्रांच को भूल जाओ, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ब्रांच को भूल जाते हैं। ठीक है, पहले नेमिंग लिख लें, वन पे ऑक्सा, टू और फोर, टू फोर पे डाई एजा, और पांच है तो ओल, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये ई किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, ओल किसके लिए, पांच के लिए, ये नाम हो गया। अब देख लो थ्री पर क्लोरो लगा हुआ है, पांच पर मिथाइल लगा हुआ है, तो थ्री क्लोरो पांच मिथाइल आगे लिख देंगे, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने जो पुराना प्रैक्टिस करा रहा था वो, हाँ देखो अब बात बोली, चार्ट याद करना है और जो रूल बीच में है उनको भी समझना है। जैसे मैंने बताया कि किसको वन टू थ्री करेंगे, कहाँ से चलेंगे, ये दो तीन रूल और हैं, इसको पढ़ लोगे तो ये बहुत ही ज्यादा फिर सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, बेसिक सी बात सिर्फ ये, वो चार्ट तो याद करना ही करना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। इसको क्या कहते हैं, देखोगे और जो स्ट्रक्चर है वीडियो को, लेक्चर को देखते हुए स्ट्रक्चर बनाओगे और खुद से नेमिंग करने की कोशिश करोगे। इसके नोट्स मैंने इसीलिए नहीं दिए हैं,
जितने भी इसमें स्ट्रक्चर है सब एक बार बना लो सारे, उनको दो तीन बार चार बार रिपीट करो, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, 99.9% संभावना है जब अगर सिंगल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो जो मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसी में से आएगा 99.9%, ठीक है ना। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से, रटना नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एक बार अगर वो रूल याद हो जाएंगे, तरीका जो ये प्रायोरिटी वाला जो बता रहा हूं मैं, बच्चे जो पढ़ते आ रहे हैं तो उनको पता होगा, तो बहुत सिंपल है ये, देखने में बहुत डर लगेगा, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग से अगर दिमाग लगा करके इसको पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक थे, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल खत्म है। अब तो ये तुम लोगों को समझना है, ये वही एग्जाम्पल कराए हैं जो मैंने वहां पे दे रखे थे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यहां से देखो खुद से बना लो। देखो बताऊं मैं, अब जैसे यहां पर है ना, कुछ भी बना लो यहां से रैंडम जो तुम्हारा मन करे। जैसे मान लो तुम्हारा मन कर रहा है इस तरीके से, तुम्हारा मन कर रहा है हम एक घर बनाएंगे, ठीक है, उस घर में एक रास्ता इधर देंगे, एक रास्ता इधर देंगे, अच्छा ये घर अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसके ऊपर एक चिमनी बना देंगे, चलो भैया चिमनी बना दी हमने इसके ऊपर एक, ठीक है, तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया, तुमने कहा हम यहाँ पर एक वो भी रखेंगे, डिजाइन बनाएंगे गोल गोल सी, तुमने डिजाइन बना दी गोल गोल सी, ठीक है, तुम बात समझ में आ रही है। तो जो तुम्हारा मन है वैसा स्ट्रक्चर बना लिया तुमने, हो गया, मन से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब बन गया स्ट्रक्चर मन से, ठीक है, अब तुम इसकी नेमिंग करोगे। तो नेमिंग का तरीका मैंने क्या बताया, पहले हमको रिंग को फोकस करना है, तुमने रिंग को फोकस किया, अच्छा दो एटम लगे हैं तो इसमें किसको नंबर वन देंगे, तुमको याद आएगा कि सर ने कहा था प्रायोरिटी ऑक्सीजन को नंबर वन मिलेगी, नंबर वन दे दिया भाई, इसको टू मिलेगी, तो अब घूमना यहीं से पड़ेगा, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, नाम पढ़ लेंगे इसका भैया, ठीक है, पहले हम केवल रिंग का नाम करेंगे। अब यहां पर तुमको पता है एक दो तीन और एक और दो, ये साइड की चेन के बारे में हमको पता है पहले से, तो वन पे है फिर क्या है टू पर है, तो पोजीशन पहले लिखनी पड़ती है, फिर उसके बाद क्या है वन पे क्या है ऑक्सा, ऑक्सा होता है उसका ए हमें नहीं लिखना है, फिर क्या है नाइट्रोजन के लिए एजा होता है उसका ए हमें नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है पांच, पांच के लिए क्या होता है ओल, पांच के लिए क्या होता है ओल, पांच एटम, ये कुछ मन से नहीं बना रहा, फिर बच्चे सोचे सर तो बस करते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, और ये पांच है इसके लिए क्या लगा ओल, सैचुरेटेड है तो क्या लग जाएगा एन, बस। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया ओलेन, तो वन पे ऑक्स, टू पे एज लगा, ऑक्स लगा ओलेन, ये मेरा रिंग हो गया। अब मैंने देखा कि चौथे पे लगा इथाइल और पांचवे लगा प्रोपाइल, तो मैं लिखूंगा फोर इथाइल फाइव प्रोपाइल, हो गया नाम, जो मन में आया वो स्ट्रक्चर बनाओ और उसका नाम लिखो, सम करके जो किया था। ओके, सम करने की बात कर लेते हैं, आ जाओ, चलो भाई एक और घर बनाते हैं अपना, बनाए एक और घर, है ना, तुम्हारा मन किया इस बार एक घर नीचे भी बना लेते हैं, चलो भाई नीचे बन गया, बन गया घर नीचे भी, तुमने कहा इस बार डिजाइन देंगे हम कुछ अलग सी, इस बार गोल डिजाइन ऊपर देंगे और चिमनी हम साइड में बनाएंगे, ठीक है, तुमने कहा इसमें हमें कुछ और डिजाइने चाहिए, है ना, तुमने कहा ठीक है भाई अलमारी निकाल लेते हैं, इसमें क्या निकाल लें अलमारी निकाल लें, चलो भाई अलमारी निकल जाएंगी, यहाँ पर क्या निकल जाएंगी अलमारी निकल जाएंगी, ठीक है अलमारी निकाल लो, यहाँ पर जैसा मर्जी वैसा बना लो, यहाँ पर एक तुमने कहा एक जीना बनाना है हमें तो हम यहाँ पर एक जीना बना लेंगे, अच्छा कलर अलग हो गया, कलर सेम कर लेते हैं, एक जीना बन गया हमारा यहाँ पर, और कुछ और करें कुछ, तो इसी टाइप से जो मर्जी है वैसे कर लो। अब यहाँ पर खैर इसमें भी हम नेमिंग का जो था नेमिंग का नहीं हो पा रहा है इसमें, तो नेमिंग यहाँ पे फिलहाल तो क्या, अच्छा हिट्रो एटम है तो कुछ करना ही नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, आंख बंद करके कर देना है, ठीक है, वन पे क्या है
और फिर क्या लगा है तीसरे पे, तो ऑक्स एज, और क्या है एक दो तीन चार पांच छ, छ के लिए क्या था हैक्स, छ के लिए क्या था दिमाग में नहीं चला गया इन, ठीक है एज इन। अब डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा यहां पर इडीन, क्या था डबल बॉन्ड के लिए इन, इनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनिन हो जाएगा, ये आ गया मेरा मेन नाम। टू पे क्या लगा हुआ है एक और दो, टू पे क्या लगा हुआ है इथाइल, तो इस नाम को हम थोड़ा सही कर लेते हैं भाई, टू इथाइल वन थ्री ऑक्स एजिनिन, ऑक्स एजिनिन। ठीक है तो मर्जी है जो मन में बन जाए स्ट्रक्चर, ठीक है ऐसे आंख बंद करनी है और ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देना कुछ भी, अरे ज्यादा गड़बड़ हो गया ये। ठीक है स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जो थोड़ा सा समझ में आए, ऐसा बना दो जो मर्जी आए स्ट्रक्चर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जो मर्जी आए तुम वो लगाओ। चलो इसको करता हूं, ये बन गया, इसको स्ट्रेट कर देता हूं और यहां पे एन लगा दिया, फिर यहां पर एन लगा दिया, देखो यहां से समझ में आएगा। ठीक है अब देखो जरा, अब जो मैं बात बता रहा था कि कहां से चूज करना है, जैसे ये वन टू और थ्री, तो वन और थ्री ये दो नंबर दिखाने पड़ेंगे मेरे को, वन थ्री डाई एस और कितने थ्री फोर और फाइव ओलेन, और यही अगर नंबरिंग में ऐसे करता वन टू थ्री फोर फाइव, ये वन हो गया, तो वन और फोर इधर से करने से वन प्लस फोर वन कोमा फोर डाई एस ओलेन, तो वन प्लस फोर कितना है फाइव हो रहा है, वन प्लस थ्री कितना हो रहा है फोर हो रहा है, तो ये वाला राइट हो गया, दोनों का सम कम होना चाहिए, दोनों का सम कम होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो बेटा वेरी सिंपल, इससे डरना नहीं है, घर बनाने अच्छे अच्छे और नेमिंग करनी है, मन चाहे जो, अच्छा जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दिए हैं वो सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है ना, और इसकी प्रैक्टिस बेटा कर लेना, अभी एक रिंग है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे रिंग जुड़ती चली जाएंगी, एक के साथ दूसरी रिंग, दूसरे साथ तीसरी रिंग, एक ही रिंग अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर दो तीन रिंग आपको दिक्कत देने वाली है। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर है सभी बच्चों को, प्रैक्टिस करोगे इसकी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी, अच्छा इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद लेक्चर नंबर ये है आई थिंक टू, लेक्चर नंबर थर्ड में जो स्टार्टिंग में देखो दिखा देता हूं मैं, स्टार्टिंग के जो कॉमन नेम है उसको याद करने की कोशिश करोगे, फिलहाल तो अभी इतना काम करो, बहुत से बच्चों को यहीं पे दिक्कत आने वाली है काफी सारी, ठीक है कल संडे रहेगा तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बेटा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो कि जैसे आईपीसी वगैरह है या कोई चीज है, कभी कोई क्लास नहीं होती कभी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सर ने आज क्लास में हम चले मस्ती करने, तो मौका ये है कि आप उसको रिवाइज कर लो, कोई पुराना छूटा हुआ है तो उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है अभी सॉल्व करेंगे, चलो ऐसे मजा आता है बच्चे एकदम, चलो इसका नाम बताओ, चलो इसका नाम बताओ,
गुड गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब्दुल थोड़ी सी गलती कर गए, ये इथाइल है, एक कार्बन और दो कार्बन है ना, ये इथाइल है। बाद बाकी पूरा सही है, बाद बाकी पूरा सही आंसर है, टू इथाइल वन थ्री ऑक्स एज ओलेन। ठीक है ना, पूरा सही, गुड। काफी बच्चों को समझ में आया इसका मतलब, टू इथाइल और वन टू थ्री, वन थ्री पहले ऑक्स, एस पांच के लिए लग गया ऑल, आगे एन। गुड गुड वेरी गुड गुड, बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने आंसर दिया, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है सही में, मतलब बहुत अच्छा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। तो बेटा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन है उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और रैंडम है, कुछ भी अपने तरफ से बनाए, कुछ भी बनाए, कुछ भी बनाए, ये भी हो गया, एक दो तीन चार पांच छह, कुछ भी बनाए। 10 के अंदर कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, रैंडम कुछ भी जोड़ लो, रैंडम कुछ सारे जोड़ लो, एस एन पी बी सब जोड़ लो, डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से रैंडम पहले तो जो करवा दिया उसकी प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ गया, गुड। तो इसी तरीके से घर बनाओ अपने अपने, है ना। जिंदगी में हम सबका सपना होता है घर बनाने का, वो मौका आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर है। एक होमवर्क दे दें, चलो एक होमवर्क दे दें, ठीक ठीक है, इसको करोगे, नोट कर लो, ये होमवर्क हो जाएगा। इसमें बेटा अभी ज्यादा उस तरह का डिफिकल्ट नहीं बन सकता है, लेकिन हार्ड आएगा जब रिंग के साथ रिंग जुड़ेगी ना, तब चीजें थोड़ी सी मुश्किल होंगी। फिलहाल अभी बेसिक बेसिक ही है हमारे पास, यहाँ पर बेसिक में कोई ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ रिंग का साइज बढ़ जाएगा, कंपाउंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। नोट किया, चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक इसको कल की मतलब परसों की क्लास में, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके रखेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे बेटा, क्योंकि अब आगे क्या होगा ना, रिंग जुड़ना स्टार्ट होंगे आगे जा करके, फिर दिक्कत आएगी, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके, गुड नाइट। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है वन मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो वन मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। वन मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक
ठीक है ना, उसमें एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा, लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा, वो तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होगी, डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो यहां होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस, ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डीफॉर्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे मैं चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, चार ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शन है, इसका आंसर ये है, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं, रूटीन टेस्ट फॉर डीफॉर्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है, 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1+2+3, इस तरह से चलता रहेगा, एक टाइम वो आएगा 1+2+3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया, और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या लो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे, बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की, फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के, इससे सस्ता चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन, बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो रिवीजन जरूर 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 करना, मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन, रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।